हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है अरजिंदर सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ITPB इंदौर। और यहाँ हम रिव्यू करने जा रहे हैं BS6 गाड़ी 4225, जिसका नाम पहले 4223 था और उससे पहले 3718 था। ये जो है 14 टायर गाड़ी है, इसके नंबर चेंज होते रहते हैं और बाकी आज जो है गाड़ी का आगे का फेसलिफ्ट ही चेंज कर दिया है टाटा ने। आगे आप देख सकते हैं कि दो लाइटें लगाने की यहाँ पर और हेडलाइट्स लगाने की आगे जगह दी है टाटा कंपनी ने। और यहाँ आप देख सकते हो कि जो टाटा कंपनी ने ओल्ड इज़ गोल्ड का जो स्टेटमेंट है आज उसको सिद्ध कर दिया। ये वापस से अपना जो पुराना फेसलिफ्ट था उसको ये लेके आए हैं, पर नए बम्पर के साथ में सिग्ना बम्पर जो इसमें दिया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हो जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड काफ़ी मजबूत आता था ये पहले भी और अभी भी ये काफ़ी मजबूत है। और जो पहले का जो इसमें काउल आता है, जो इसमें डैशबोर्ड आता था, उससे तो काफ़ी मजबूत है मुझे लगा। और यहाँ आप देख सकते हो आगे की साइड में अंदर भी आपको बॉक्स बने हुए मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पर जो है आपको एग्जॉस्ट सिस्टम आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट मिलेगा। यहाँ आप टाटा की सिंबल देख सकते हो, यहाँ पर टाटा का बैज देख सकते हो। सिंबल जो है उसका मतलब ये है कि इसको हाथ ना लगाएं। काफ़ी कवर किया हुआ है, स्टेनलेस स्टील की जो प्लेट है उससे कवर किया है ताकि ये जंग ना पकड़े। और जो है यहाँ पर कोई इसको हाथ ना लगाए, काफ़ी हीट हो जाता है। ये आप देख सकते हो सी पैटर्न के अंदर आपको ये दिखेगा। ट्विन स्टेयरिंग एक्सल मॉडल्स में यही आने वाला है, जैसे 14 टायर और जो 16 टायर है, और जो अगर कोई 12 टायर लेता है जिसमें ट्विन स्टेयरिंग है उसमें भी यही आएगा। और यहाँ आप देख सकते हो नीचे की साइड साइलेंसर का जो टेल है, टेल अंदर ही गाड़ी के अंदर ही ख़त्म कर दिया है, टायरों से बाहर निकलता हुआ आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ आप देख सकते हो कि जो इसकी फिटिंग है, फिटिंग जो है हीट एब्जॉर्ब शीट्स के साथ में कर दी है ताकि जो हीट है साइलेंसर का जो एग्जॉस्ट सिस्टम की तरफ जा रहा है वो गाड़ी को डैमेज ना करे। बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊं, जो इसका शाफ्ट है जो इसका, वो सब सेम है, कुछ चेंज नहीं करा है। यहाँ पर आप लिफ्ट और बूस्टर और यहाँ पर आप टैंक्स देख सकते हैं, ये भी सब वैसे ही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पर फेस है, फेस लिफ्ट के साथ में यहाँ पर डीजल टैंक, गैफ सिस्टम और एग्जॉस्ट सिस्टम, सेंसर्स और यहाँ पर क्लस्टर जो प्लेट है वो चेंज कर दिया है, क्लस्टर मीटर। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टेयरिंग का जो ऑयल है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर पीछे दे दिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हो जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को काफ़ी लिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर करीब आपको 9+9 और 2-3 इंच ऊपर करीब 21 इंच के आसपास इसको लिफ्ट कर दिया है पीछे से। पहले जो डैशबोर्ड आता था, आप पीछे देख सकते हो कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड था वो काफ़ी लो आता था, अब जो है डैशबोर्ड पीछे से काफ़ी लिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर जो आपको टाटा का गियर मिलता है, यहाँ पर आपको G95 का ही मिलेगा, जिसमें आपको 6 स्पीड और 1 जो है मैनुअल मिलेगा आपको, जो कि आपको पहले के जैसा ही फील कराएगा। और यहाँ आप देख सकते हो जय कंपनी के पटे लगे हैं, यहाँ पर पैराबोलिक कमानी यहाँ पर दे रखी है। सब सिस्टम जो है यहाँ पर आपको 24 वोल्ट कनेक्टेड मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हो जो डीजल फिल्टर है और जो पंप दिया हुआ है, मैनुअल पंप यहाँ पर आपको मिलेगा ताकि गाड़ी का जो एयर वगैरह है आप निकाल पाएँ। और यहाँ आप देख सकते हो जो इसका डीजल टैंक है, और आपको 285 लीटर का पॉलीमर डीजल टैंक मिलने वाला है, जिसके साथ में आपको टेलीमेट्रिक्स एनेबल फ्यूल थेफ मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा जो कि सेंसर से लेस हैं। और अगर आपको अगर कोई डीजल में फ्लक्चुएशन आती है या कोई गड़बड़ होती है तो आपको फौरन अलर्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। अलर्ट्स के साथ साथ ये जो है आपको गाड़ी एनालाइज करने और आपकी जो गाड़ी का रूट है वो सब और डीजल मैनेजमेंट करने के काम आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे के साइड में बेंजो बोल्ट दिया है, जिसमें से उसको खोल के आप डीजल टैंक आराम से साफ़ करा सकते हैं अगर कोई तकलीफ़ आती है। और यहाँ जो है लिफ्ट सिस्टम आप देख सकते हो, जो इसके लिफ्ट पहले जैसा ही आ रहा है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करे गए हैं। और यहाँ पर जो आप नंबर वगैरह दे सकते हैं,
यहाँ पर एएमसी जो है एएमसी को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया हुआ है कंपनी की तरफ से, 6 साल और 6 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए उस पे एएमसी अप्लाई रहेगी। और यहाँ आप देख सकते हो गाड़ी के जो नक्के हैं, कमानी है और बाकी सब फिटिंग है वो सब सेम है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करा है। यहाँ आप देख सकते हो प्रेशर टैंक्स जो गाड़ी के बाहर लगे हुए हैं पहले के जैसे। और यहाँ आप देख सकते हो जो पीछे की साइड में आपको मिलने वाला है रियर पार्किंग असिस्टेंट सेंसर्स, ताकि गाड़ी को पीछे से जब आप पार्क करें रिवर्स करके तो गाड़ी में कोई तकलीफ ना आए और कोई एक्सीडेंट या कोई अनहोनी ना हो जाए, उसके लिए ये हेल्प करेगी। और यहाँ आप देख सकते हो जो क्रॉस है, क्रॉस मेंबर पहले के जैसा लाइट ही दिया हुआ है पीछे की साइड में। और यहाँ आप देख सकते हो एलईडी लाइट्स मिलेगी आपको गाड़ी के अंदर। स्टपनी जो है स्टपनी आपको बाहर की साइड ही मिलने वाली है। और यहाँ आप देख सकते हो पीछे की साइड जो गाड़ी में फालतू बोल्ट्स और होल्स वगैरह थे वो निकाल दिए गए हैं। चेचिस को जो है एक ही कॉलर का यहाँ पर चेचिस लगा है, सिंगल फ्रेम चेचिस है यहाँ पर। बाकी जो है यहाँ पर क्रॉस मेंबर जो है काफ़ी मजबूत कर दिए हैं पहले से ज़्यादा। आप देख सकते हो जो क्रॉस मेंबर के साइज़ भी डिफरेंस है, कई क्रॉस मेंबर बड़े हैं पूरे चेचिस के साइज़ के हैं 10 इंच के, और कहीं पे क्रॉस मेंबर छोटे हैं, ऐसे करके जो चेचिस को मजबूती दी है टाटा कंपनी ने काफ़ी अच्छी है। और यहाँ आप देख सकते हो क्रॉस मेंबर पीछे की साइड थोड़ा सा पतला कर दिया है। चेचिस पे पहले से ज़्यादा टाटा कंपनी ने काम किया है और इसे मजबूत बनाने के लिए काफ़ी अच्छा लगा कि जो अनवांटेड जो होल्स थे और बोल्ट्स थे उसको रिमूव कर दिया। यहाँ आप कमिंग्स का ब्रांडेड डेफ टैंक देख सकते हैं यहाँ पर, इसका जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर दी है, 60 लीटर की कैपेसिटी कर दी है। और यहाँ आप सेंसर्स देख सकते हो, सेंसर बढ़ा दिए गए हैं, डेफ सेंसर और डेफ क्वालिटी चेक सेंसर भी लगा है आज। अब जो है जो ग्रेड का इसमें डेफ जो यूरिया डलेगा वो भी यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा सेंसर्स के ज़रिए। और यहाँ बैटरी देख सकते हो, बैटरी काफ़ी बड़ी दी है। और यहाँ वापस से हम एग्जॉस्ट सिस्टम पे आ जाते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम काफ़ी कॉम्पैक्ट है। और यहाँ पर आप बैजिंग देख सकते हो टाटा कंपनी का, पूरी गाड़ी देख ली। अब आपको याद आ रहा होगा एयर फिल्टर नहीं दिखाया, यहाँ आप एयर फिल्टर देख सकते हो कि जो एयर फिल्टर है आपको इजीली रिमूव और इसको आप एक्सचेंज जो है आप चेंज कर सकते हैं फिल्टर को आसानी से। यहाँ आप इसकी फिटिंग देख सकते हो, फिटिंग काफ़ी अच्छे से हुई है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, इसको पहले स्टीयरिंग के नीचे दिया जाता था और अब इसको साइड में कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हो रेडिएटर जो है, रेडिएटर पहले के जैसा है। इंजन में काफ़ी सेंसर्स इंक्रीज कर दिए हैं। और यहाँ पर आपको जो है मैंने उसका चार्ट जो है वीडियो में डाल दिया है। और यहाँ आप देख सकते हो जो गाड़ी है, गाड़ी काफ़ी अच्छी कर दी है। यहाँ पर आपको काफ़ी जगह मिलने वाली है आगे से गाड़ी में काम करने के लिए अगर कोई यहाँ पर कोई मिस्टेक आती है तो। यहाँ आप डैशबोर्ड देख सकते हो, डैशबोर्ड जो है काफ़ी अच्छा कर दिया है। पीछे की साइड में भी सपोर्ट दिए हैं टाटा कंपनी ने। और यहाँ आप देख सकते हो जो इसका डैशबोर्ड का जो बोनट है, बोनट चेंज कर दिया है। आगे की साइड में भी आपको 2 बॉक्स मिलने वाले हैं कंपनी की तरफ से लॉक सिस्टम के साथ में, उसके अंदर आपको फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पर मिलेगा और साथ में आपको ECU मिलेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि सेफ भी है। और यहाँ आपको ब्लोअर सिस्टम थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया है, छोटा कर दिया है। और यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये पढ़ने ज़रूरी हैं, रनिंग इन फर्स्ट 2000 किलोमीटर, अगर आप 2000 किलोमीटर के अंदर इस हिसाब से चलाएंगे तो ये ज़रूर आपके एवरेज में आपको हेल्प करेगा। गाड़ी को पहले 2000 किलोमीटर इस हिसाब से चलाएं और 60 से ऊपर ना लेके जाएं, और जो गियर के हिसाब से जो स्पीड यहाँ पर दिए हैं उस हिसाब से मेंटेन करके चलिए। और यहाँ आप गियर देख सकते हैं, 6 स्पीड गियर और 1 रिवर्स गियर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो है एक और सिस्टम आपको जुड़ गया है, रीगन ऑफ रीगन ऑन स्विच,
अब इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। आप पहले ये जानिए कि यहाँ पर आपको लाइट, मीडियम और हैवी, यहाँ पर आपको तीन मोड मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो है जो लाइट मोड है, लाइट मोड जो है फ्लैट रोड और जो और थोड़े बहुत ऊपर नीचे जो झटके आते हैं रोड पे, थोड़ा बहुत ऊपर हो गया रोड कहीं पे और थोड़ा बहुत डाउन, उसके लिए लाइट पे ही आपको गाड़ी चलानी है। दूसरा जो है आपको यहाँ पर फ्लैट रोड के लिए अगर थोड़ा बहुत लोड ज़्यादा है गाड़ी के अंदर तो आप मीडियम पे चलाइए, और थोड़ा बहुत ढलान है उसके लिए। और जो हैवी मोड है, हैवी मोड सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत इम्प्रूव कर दिया है, लाइट, हैवी और मीडियम यहाँ पर आपको बराबर मिलेंगे। ये जो आप स्विच देख रहे हैं ये है रीगन के, इसको आपको नहीं प्रेस करना है बिल्कुल भी नहीं। ये जो है आपके जो एग्जॉस्ट सिस्टम को ऑटो क्लीन करते हैं, उसके अंदर जो है एग्जॉस्ट सिस्टम को डीजल पार्टिकल फिल्टर के हिसाब से बनाया हुआ है। ये जो है ये ऑटो क्लीन अपने आप को क्लीन करेगा, और यहाँ पर जो है आपको नहीं दबाना है इसको बिल्कुल भी हेल्प। और यहाँ पर आपको और भी स्विच मिलने वाले हैं, उसको इसलिए नहीं दबाना ताकि वो जो है 350 से 500 डिग्री तक वो गर्म हो जाता है, अपने आप को साफ़ करता है। और यहाँ पर जो है आपको क्लस्टर मीटर एकदम नया मिलने वाला है, और यहाँ पर जो है आपको डिजिटल मीटर जो बड़ा कर दिया गया है पहले से, यहाँ आप देख सकते हो 4000 RPM तक यहाँ पर आपको मीटर मिलेगा। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर मीटर भी अंदर ही मिलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो 140 स्पीड जो टॉप स्पीड यहाँ पर दी है, बट 80 से ऊपर यहाँ पर इंडिया में लिमिट है, इससे ऊपर गाड़ी नहीं जाती। और यह आप देख सकते हो फ्यूल का यहाँ पर सिस्टम भी दिया है, और ये जो है 9 इम्पोर्टेंट लाइट्स के जो पॉइंट दिए हैं, अगर ये जलते हैं तो आपको फौरन कंपनी में कॉल करना है और गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ानी है। और यहाँ आप देख सकते हो जो ब्लोअर को कॉम्पैक्ट कर दिया, तो उसको चालू और बंद करने का स्विच जो है आगे मीटर प्लेट पे ही दे दिया है। और यहाँ आप देख सकते हो वाइपर सिस्टम और जो लाइट्स ऑन ऑफ का सिस्टम है वो सेम है, वो नहीं चेंज किया है। और यहाँ पर आप डैशबोर्ड देख सकते हो, डैशबोर्ड जो है चढ़ने के लिए यहाँ पर पहले से ही कंपनी ने ऊपर की साइड में हैंडल दिया है। और यहाँ पर जब आप बनने के बाद में ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिकल एक्सीलेटर पैडल आपको वैसे का वैसा ही मिलने वाला है जैसे पहले आता था, और वेबको कंपनी का पूरा ब्रेक का आपको सिस्टम मिलेगा गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है एक्स्ट्रा पैडल जो क्लच के पास में आता था वो हटा दिया गया है, और यहाँ आप देख सकते हो जो क्लच का पैडल है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और यहाँ पर जो गाड़ी की फिटिंग है काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर जो है सीट में भी कंपनी की तरफ से आपको कुशिंग मिलने वाली है, और आगे जो है मीटर प्लेट काफ़ी अच्छा कर दिया है। और जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपको जो ये जगह है यहाँ पर सिर्फ आपको एक कंपार्टमेंट जो आगे की साइड है कंडक्टर की साइड में ही काम आने वाला है। और ऐसे ही टूल बॉक्स जो है, टूल बॉक्स पूरा पैक आता है सील लग के कंपनी की तरफ से, और यहाँ पर आप कुशिंग चेक कर सकते हो। और यहाँ जो है यहाँ पर आपको बोनट का सिस्टम पूरा चेंज कर दिया है, काफ़ी अच्छा कर दिया है। और 10 टायर का भी रिव्यू जल्दी आने वाला है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस आती रहेंगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस।